अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मेंदू वड़ा विद कोकोनट चटनी। आइए देखते हैं इसे बनाते कैसे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए आइए इसे बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है। चटनी पीसने के लिए मैंने ये गीला खोपरा नारियल लिया, इस तरह से बड़ा साइज़ का नारियल का टुकड़ा है, उसको मैंने धो के कट कर लिया। 2 से 3 इंच के टुकड़ों में अदरक है, मैंने इसको काट लिया अदरक के टुकड़ों को। और यहाँ पे मैंने 2-3 स्लाइस मोटे मोटे प्याज के लिए हूँ, और कड़ी पत्ता मेरे पास फ्रेश नहीं थे, ये सूखे हुए कड़ी पत्ते तो मैंने ले लिए भी। और 3-4 हरी मिर्ची है। थोड़ा सा नमक ऐड करके हमें इसे मिक्सर में पीस लेना है अच्छे से। ये देखिए एक जार में मैंने सारे मसाला चटनी के मसाले को अच्छे से पीस ली हूँ। और यहाँ पे एक छोटी तपेली में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल गरम कर ली हूँ। अब मैं इसमें राई ऐड करूँगी, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड कर दूँगी, और गैस बंद कर दूँगी। गैस बंद करने के बाद हमें इसमें अपना मसाला पीसा हुआ डालना है और इस अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लियो अच्छे से, और हमें गैस चालू नहीं करना है, गैस बंद ही रखना है। बस ये रेडी है अभी। 1 कप उड़द की दाल को मैंने 2 घंटा भिगा ली थी। अब मैं इसमें 2-3 हरी मिर्ची ऐड करके दाल के साथ पीस लूँगी मिक्सर में। ये देखिए दाल को मैंने पीस ली। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत, और एक छोटी सी प्याज और कोथमीर को मैंने यहाँ चॉपर में इस तरह से चॉप कर ली हूँ। आप चाहिए तो हाथ से बारीक बारीक कट कर लें। अब मैं ये भी इसमें ऐड कर दूँगी, और इसे सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मैंने सब इसमें अच्छे से मिक्स कर ली। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए एक पैन में मैंने ऑयल गरम कर ली हूँ। अब मैं एक कटोरी में यहाँ पानी ली हूँ, उसमें अपना हाथ गीला करूँगी, और यहाँ से आटा लेके बीच में ऐसे आटा करके हमें इसमें डाल देना है। इसी तरह हमें सारे हमें इसमें डाल लेना है इसी तरह। ये देखिए मैंने इसमें सारे जितने आ सकते तो उतने मेंदूड़े इसमें डाल दी हूँ। इसमें अच्छा गोल्डन कलर आ जाए फिर हम इसे निकाल लेंगे, और इसी तरह से हमें सारे फ्राई कर लेना है। ये देखिए हमारे मेंदूड़े बनके रेडी है कोकोनट चटनी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।